यदि आपका मन कर रहा है तो आप बोलिए आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, और मैं भी बोल ही देता हूँ आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। और इस वीडियो का विषय भी यही है कि आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन मीनिंग इन हिंदी क्या होता है। सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन को इंग्लिश में महिलाएं भी ऐसे ही कहती हैं और पुरुष भी ऐसे ही कहते हैं। और जब एक पुरुष कहते हैं आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, तब इस वाक्य का हिंदी में भावार्थ है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अथवा मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अथवा मैं तुझसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ऐसे ही जब एक महिला कहती हैं आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, तब इस वाक्य का हिंदी में भावार्थ है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अथवा मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अथवा मैं तुझसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो सामान्य जीवन में जब भी आपको किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कारण से और किसी भी विषय के बारे में एक प्रश्न पूछना हो, तो आप अपने प्रश्न को पूछने से पहले सामान्य शिष्टाचार का निर्वहन करते हुए अपनी इस भावना को व्यक्त करने के लिए कि आपको उन व्यक्ति से एक प्रश्न पूछना है, उन व्यक्ति से इंग्लिश में कह सकते हैं आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। और अब इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।